अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें मात्राओं संबंधी वर्तनी का ऐसी कुछ अशुद्धियों और उनके शुद्ध रूप को जाने, यानी कि अब हम जानेंगे कि अशुद्ध कैसे हम बोलते हैं और वो शुद्ध कैसे होता है। कई बार हम औरों को भी देखते हैं बोलते हुए, तो आप पकड़ भी लेते हैं कि इसने गलत बोला, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं आराम, वो क्या होता है? आराम। बाजार, बाजार बाजार नहीं होता है, बाजार बाजार। बारात, बारात। मकान, मकान। दीवार, दीवार। तो ये मात्राओं से पता चल रहा है ना, हम समय ज्यादा लगा रहे हैं बड़ी मात्रा में। नदी, जबकि होती है नदी। कवि, यहाँ लिखा है कवि, ये अशुद्ध है, होगा कवि, व पर छोटी की मात्रा, कम आवाज आएगी। रात्रि, जबकि होता है रात्रि। दूध, दूध जो आप पीते हो ना, वो दूध, कई लोग लिखते हैं ऐसे, गलत लिख देते हैं, दूध। सूरज, तो क्या होगा? सूरज। यहाँ देखिए, ये भी इसने ये समझ रहा है कि इस पे छोटी मात्रा लगेगी, सूरज, ये इसे बता रहा है कि सूरज ये है। सूरज सुनकर इसको समझ में आ रहा है, इसने ये पढ़ा, इसको लगा सूरज क्या है, सूरज, जबकि सूरज अगर बोलेंगे तो समझ में आएगा ये सूरज वो है जो सुबह निकलता है, जिसके द्वारा आप जगते हैं रोशनी देखकर। चलिए इतना एक बार उच्चारण करिए, फिर से आते हैं।